I would like to invite uh, Madam uh, Honorable Mehnaz Aziz for concluding remarks and sharing her thoughts and insights. Bismillahir Rahim. Assalamu alaikum. I and a couple of other MNEs, my apni jo purani dosteh thi, educated hai, PhDs hain, in the parliament, we just sat down and we were looking at styles of. पॉलिटिकिंग एंड गेटिंग थिंग्स डन तो इनका बहनाज तुमने इतना काम किया तुम अपने काम पर ही फोकस करो तो बेहतर है एंड आई टोल्ड दैम दैट यू नो चिल्ड्रन बट देन आई स्टार्टड नोटिसिंग दैट इन द पार्लियामेंट द वर्ड चिल्ड्रन एंड द वर्ड चाइल्ड वॉज नेवर मैंशन एक जो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है नो उसकी रिकग्निशन होती है अट्ठारह साल पर जब वो वोट देने के काबिल होता है या होती है उससे पहले दे डोंट एग्जिस्ट तो मुझे याद है कि दो तीन महीने गुजरे तो चिल्ड्रंस डे आया तो उसमें मैंने क्या किया कि एक रेजोल्यूशन बनाया और उसको प्रजेंट किया अब वो रेजोल्यूशन था तो लोगों ने बड़ी हैरत की तरह मुझे मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया दे स्टार्ट इट कम्पेयरिंग मी टू माई हजबेंड कि वो तो इतनी सियासी बातें करते हैं और ये बच्चों की बातें कर रही है सो बट सून आफ्टर यू नो तो वो अच्छा वो जब हुआ तो देवा लाइक पीपल ऑल्सो लुक एट मई थिंकिंग हाँ ये ठीक बात है यू नो आई टॉक अबाउट द फर्स्ट थाउजेंड डेज आई टॉक अबाउट अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन वगैरह वगैरह बहुत लंबा रेजोल्यूशन था वो उसके बाद क्या हुआ कि यू नो देन वी स्टार्टड पुटिंग ऑन जो हमारा लेजिसलेटिव बिजनेस होता है जो पार्लियामेंट्री बिजनेस होता है कॉलिंग अटेंशन एंड यू नो इन द स्पीच इन द बजट रि स्पीच इन द बजट एनालिसिस उसमें हर चीज़ में मैंने बच्चे डालना शुरू किए अर्ली ईयर्स को देखना शुरू किया बट यू नो उधर मैं स्पेसिफिकली अर्ली ईयर्स की इतनी बात नहीं कर सकती बिकॉज uh, जो uh, मेरा हो रज़न है वो बहुत बड़ा है वो uh, सियासतदानों के लिए ना सिर्फ अर्ली चाइल्डहुड पर बात करना बहुत छोटी चीज़ है but I've come to and I've always thought that we need to simplify what we are doing in terms of take mayor isse convinced after four and a half years that Parliament is the apex body for legislative and uh, and oversight as well and policy making. जो इन्फ्लुएंस होता है ना जो डिबेट चलती है पार्लियामेंट में उससे आपकी पॉलिसी बहुत इन्फ्लुएंस होती है आपका ब्यूरोक्रेसी बहुत इन्फ्लुएंस होती है और आप चीज़ें कर सकते हैं बहुत ज़्यादा कर सकते हैं आप बजटरी सब कुछ कर सकते हैं तो उसमें फिर ये हुआ कि मुझे बनाया गया एस डी जी का मेंबर बना दिया गया बिकॉज आई वाज अ फर्स्ट टाइमर तो एस डी जी ईस की टास्क फोर्स थी उसमें मेंबर बना दिया गया तो मैंने कहा कि जी ये छः सात एस डी जी के गोल्स हैं विच रिलेट टू चिल्ड्रन तो सब कमेटी चाइल्ड राइट्स की बनाते हैं सब कमेटी चाइल्ड राइट्स की बना के यूनिसेफ को इन्वॉल्व करके चिल्ड्रंस लॉज रिव्यू कर, uh, कर लिए सारे इन लाइट ऑफ सीआरसी उसके बाद मुझे मैं फिर भी मुझे ना सेटिस्फैक्शन नहीं हुई फिर देन आई सेड दैट यू नो वी व्हाट वी नीड टू डू इज़ हैव अ चाइल्ड राइट्स कॉकस बिकॉज ये लेगेसी um, uh, बनानी पड़ेगी और छोड़नी पड़ेगी सो टू मंथ्स अगो वी वर एबल टू फॉर्मुलेट द चाइल्ड राइट्स कॉकस in the parliament. Or abhi uska saara a concept note. Hai. Uske ilawa, what I did was as a private member, I got the prohibition of corporal punishment bill passed and I also ट दी uh, और वो पास जब हुआ तो मैंने लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री में आके उसके रूल्स बनवाए क्योंकि पास हो के एक्ट पढ़ा रहता है उसके रूल्स नहीं बनते फिर मैंने प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स एंड दइडिया वॉज टू लुक एट चिल्ड्रेन दट चिल्ड्रेन आर नाट इम्प्लॉयड इन द डोमेस्टिक सफ़ीयर अच्छा अब जब कॉकस बन गया है तो उस पर मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आई थिंक आई एम आई एम बैक वो जैसे बच्चों की किताबें नहीं होती आज फुल साइकिल में कि जी आप यू कम बैक टू वेयर यू स्टार्टड फ्रॉम दैट्स दी द आइडिया सो आई एम बैक टू बिकॉज आई एंड द मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर व ट्रैवलिंग समवेयर एंड आई सेट टू एम अर्ली चाइल्ड हुड और फिर हमने सारी बातें करनी शुरू की और मैंने कहा आप फोकस करें तो इसमें अब मुझे ये लग रहा है कि हमें अब अपने कॉकस के जरिए आज जो मैंने आपकी सबकी ये बातें नहीं थी ये इंटरवेंशंस थी and that was very exciting because 25 years ago we were advocating कि आपके साइनोपसिस और आपके न्यूरोन्स इतने ज़्यादा होते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो आप प्लीज़ उस पर ध्यान करें और सारा कुछ करें आज जब हम बात करें तो हम बहुत रियलिस्टिक हैं ना हम रियलिस्टिक हैं क्योंकि हमने फ्लडजन बच्चों की बात की हम ऑटिज़म और बच्चों की बात कर रहे हैं हम माँ को कितनी सपोर्ट चाहिए उसकी बात कर रहे हैं हम एक फ्रेमिंग ऑफ ई सी डी की बात कर रहे हैं फ्रॉम पायलट्स टू द लार्ज स्केल की बात कर रहे हैं तो इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके अच्छा मुझे एक बहुत अह गिला रहता है मुझे ये गिला रहता है बिकॉज़ आई कम फ्रॉम समवॉट एकेडमिक बैकग्राउंड एज़ वेल एज़ यू नो अ प्रैक्टिशनर तो गिला मुझे ये रहता है कि हम जो ये सारी बात करते हैं ना ये ट्रांसलेट नहीं होती पार्लियामेंट तक ये पार्लियामेंट तक ट्रांसलेट होनी चाहिए एंड नॉट जस्ट लेजिस्लेशन जो आपने बात की जो आपने बात की और जो आपने बात की देखिए अगर 400 लोगों में से 10 लोगों को भी ये बात समझ आ जाए तो आपने आपने वो पूरा वो जो डिस्ट्रिक्ट था वो जो पूरी कॉन्स्टिटेंसी थी उसकी सोच को कवर कर लिया है सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट द डे आई रेड द रेजोल्यूशन ऑन चाइल्ड राइट्स इन द पार्लियामेंट मेरे मैं उस वक्त दो महीने हुए थे मुझे पार्लियामेंट में आई थी मैं डेस्ट ढूंढ रही थी कि मैं इस पे छुप जाऊँ इंड पीपल विल से कि इतने वोट से जीत के आई है और इतनी नॉन सेक्सी बात कर रही है बच्चों के बारे में बात कर रही है बट यू नो फ्रॉम देयर टू नाउ मैं आपको आई एम सो हैप्पी टू रिपोर्ट के बच्चों पे बहुत ज़्यादा बात होती है और मैं आपको बताती हूँ कि वो कल एक वाक्य हुआ थोड़ा सा आ, 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 हर एज ग्रुप का बच्चे की बात हो रही है इस वक्त कल एक वाक्य हुआ आई नाइन में वो आ, जो डेफ एंड म्यूट बच्चों का स्कूल है वेरी गुड स्कूल तो उसमें हुआ तो अभी मैं बीच में से गई मैं उधर विजिट करने के लिए गई थी एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द स्पीकर ऑफिस के आप बताएं कि यू नो वट वट्स गोइंग ऑन बिकॉज आप तो चाइल्ड राइट्स कॉकस की कन्वीनर है सो यू नो मतलब वो अब स्पीकर भी कहता है कि मैंने ये चीज़ बना दी तो मुझे इसका जब मिले तो सही ना कोई फ़ायदा तो मिले कि ये चीज़ हो रही है सो लेट्स इन्फ्यूज अर्ली चाइल्ड हुड एजु डिवेलपमेंट इन टू दैट और मेरे ख्याल में जो तीन चार चीज़ें हैं सिम्प्लीफाइड जो हमने बात करनी है जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस को समझ आनी है वो ये है कि आपका ब्रेन डिवेलपमेंट इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेन डिवेलपमेंट एंड देन आपका न्यूट्रिशन

द वैक्सीनेशन पार्ट एंड द ह्यूमैनिटेरियन पार्ट और उसके अंडर लाइन में जो भी हमारा केयर गिविंग है और जो हमारी स्पेशल बच्चे हैं और ये वो करके हमने काफी ज्यादा आ, रूम बना लिया है पार्लियामेंट में इसके ऊपर काम करने का बिकॉज पार्लियामेंट इज वर्किंग यू नो आप बात करेंगे उधर जाके अगर आप एक रेंडिशन देंगे फ्रेमिंग द इशू ये वो करके वो कहेंगे सोल्यूशन बताएं वट कैन आई डू मैं भी ये कहती हूँ वट कैन आई डू सो Uh, आपने बात की कि आप लेजिस्लेशन लाना चाहती हैं अच्छा आप ब्रेस्ट फीडिंग के पेपर देखें ना मुझे आज इतना अफसोस हुआ ये पता होता तो किसी पार्लियामेंट का मतलब आई डोंट हैव टू देखिए पार्लियामेंट में आपको सबको साथ लेके चलना है ना सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम राइटिंग अ लिटिल स्पीच अ लिटिल नोट फॉर समबडी एल्स एंड सेइंग कि आप ये पढ़ें आप ये बात करें तो ये ब्रेस्ट फीडिंग वाली बात और ये सारे कुछ के जी वो कर रहे हैं यू you नो know, ये ये तो हाँ वो मैं आपको आपको पता है कि मैं मौलाना मुलान, चित्राली वगैरह के हाथ में दूंगी कि देखें यह क्या हो रहा है You know, so we we know how to push buttons and get that attention. That is required for ECD, and I am and the Parliament is open to this. I will, I am going to speak on behalf of the Parliament and the Child Rights Caucus, Parliamentary Child Rights Caucus. that we are ready to give the platform. Simple problems, uh, the, the huge challenging problems, but simple solutions. आगे parliamentarians को आपने the parliamentarians? आपने ये करना है आपने पुश क्या करना है आपने बात क्या करनी है आपने लेजिस्लेट क्या करना है आपने ओवरसाइट किस चीज़ की करनी है दैट्स अबाउट इट एंड वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर। और मैं आपको बताती हूँ कि मेरी सारी जिंदगी गुजर गई एज अ प्रैक्टिशनर पायलट्स करते हुए पायलट्स की बात नहीं है इसको आपने और ईसीडी को अलग ना करें इसको आप हेल्थ में करें जैसे हम आगा ख़ान और चिल्ड्रेंस हॉस्पिटल पंजाब को देख रहे हैं जहां एजुकेशन आ रहा है वहां एजुकेशन में करें जहां कोई और चीज़ आ रही है वैक्सीनेशन आ रहा है वैक्सीनेशन में करें अपने माइंड में और अपने साथ अपने हल्के में इसको आप कोऑर्डिनेटेड uh, रखें बट इसकी एक अलग से कोई मिनिस्ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं वो नहीं होगा इसको आपने ओवरसाइट करनी है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एंड यू नो सपोर्टिंग एंड सपोर्टिंग अच्छा आपने लेजिस्ेशन की लास्ट थिंग इन्होंने लेजिस्शन की बात की ई सी डी के ऊपर इट्स नॉट हैपनिंग आई टेल यू वाई ट्वेंटी फाइव ए इज़ फ्री एंड फे फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम टू फाइव टू सिक्सटीन वो भी हम नहीं कर सके hmm. तो आप उससे भी नीचे ले जा रही हैं पैसे ही नहीं है भाई सो वट एवर देर इज अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाएँ अपने अपने एम एन ए को पकड़ें और उनसे ये काम करवाएँ चाहे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो चाहे वो जिस तरीके से भी हो दो तीन दो तीन मॉडल्स पकड़ लें सक्सेसफुल मॉडल्स पकड़ लें डोंट री इन्वेंट द मिल क्यों प्रोफेसर साहब प्रोफेसर साहब इज़ माई मैंटोर इन दिस दो तीन चार आप मॉडल पकड़ लें जो कि पूरे पाकिस्तान में आप कहें कि जी चल रहा है और हम आपको पंद्रह बीस पार्लियामेंटेरियंस दे देते हैं जो आपका एडवोकेसी करेंगे दैट्स वॉट वी नीड बिकॉज वी नीड पोलिटिकल विल ऑल्सो टू गेट थिंग्स गोइंग थैंक यू सो मच